तो गाइज एक न्यू यूट्यूबर के लिए यार एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है कि यार इनिशियल बूस्ट पाना, बोले तो इनिशियल सब्सक्राइबर पाना। एंड यार इस इनिशियल सब्सक्राइबर्स की वजह से हम लोग एक चीज़ करते हैं एंड वो है सब फॉर सब। तो गाइज इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर करने वाला हूँ, पूरा डिटेल में बताऊँगा कि यार सब फॉर सब होता क्या है एंड सब फॉर सब किस तरीके से किया जाता है एंड इसके क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या इससे बेनिफिट होती है, क्या इससे लॉस होता है एंड हर चीज़ यार डिटेल में समझेंगे। तो ये वीडियो थोड़ी सी हो सकती है लंबी हो जाए, बट यार वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलो यार आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो गाइस सबसे पहले बात कर ले यार कि ये सब फॉर सब क्या होता क्या। तो यार सब फॉर सब ना सब्सक्राइबर का एक सौदा होता है। अब मैं सिंपल भाषा में अगर समझाऊँ तो यार ये एक सब्सक्राइबर का सौदा ही होता है। लाइक देखो यार सब फॉर सब मतलब कि ये हो गया, लाइक आप जिसको बोल रहे हो सब फॉर सब करने के लिए, इसका मतलब कि आप उसको बोल रहे हो, सौदा कर रहे हो सब्सक्राइबर्स की, भाई मैं तुझको सब्सक्राइब कर दूंगा, मैं तेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दूंगा, तू मुझे सब्सक्राइब कर दे, तू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो ये हो गया सब्सक्राइबर का सौदा, बोले तो सब फॉर सब। अब समझते हैं कि ये लोग गलती क्या करते हैं। तो देखो यार जो YouTube के कोई भी वीडियो के कमेंट पर सब फॉर सब करना ना यार बहुत गलत बात है, बहुत। ये चीज़ कभी नहीं करना चाहिए, इससे आपका चैनल तो यार ग्रो होगा नहीं, साथ ही साथ आपके बैड इफेक्ट भी पड़ने वाले हैं आपके चैनल पर। कैसे पड़ेगा चलिए समझते हैं अच्छे से इस वीडियो में। एंड इसके कुछ एडवांटेज भी हैं, मतलब कि इसको अगर आप सही रूप से करते हो तो इसमें आपका एडवांटेज भी है, इसमें आपका प्रॉफिट भी होगा, वो सारी चीज़ें चलिए समझते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज की बात करें तो यार एडवांटेज तब होती है जब हम कोई भी YouTube वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं, स्पैम कमेंट करते हैं सब फॉर सब। भाई सब फॉर सब जब आप कमेंट करोगे ना तो एक स्पैम कमेंट पर ये काउंट हो जाता है। एंड अगर YouTube का ध्यान कभी चला गया इस कमेंट पर, तो भाई इस कमेंट पर अगर उसका ध्यान चला गया ना तो वो फिर उस चैनल को छोड़ने वाला है नहीं, मतलब कि बैड इम्पैक्ट पड़ने वाला है। यूट्यूब हमारे चैनल को कुछ भी कर सकता है अगर इस तरीके की स्पैमिंग कमेंट उसको अगर नज़र पड़ गया, एक बार दो बार तीन बार चार पर अगर उसको पड़ गया तो फिर वो कुछ भी कर सकता है हमारे चैनल के साथ। अब बात करें यार हम लोग किस तरीके से ये स्पैमिंग करते हैं, तो देखो यार सब फॉर सब करने के लिए लोग बेसिकली यही यूज़ करते हैं। लाइक अगर टेक्निकल का कैटेगरी का चैनल है तो जो भी बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं टेक्निकल से रिलेटेड जो वीडियोस अपलोड करते हैं उनके न्यू वीडियो पर फटाक से जाते हैं एंड स्पैमिंग कर देते हैं सब फॉर सब, सब फॉर सब। एंड इस तरीके की वो स्पैमिंग करते हैं, लाइक करो अगर सब्सक्राइबर चाहिए तो, कमेंट करो सब्सक्राइबर चाहिए तो। भाई इससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं, मैं आपको सिंपल तरीके एंड अच्छे तरीके से समझाता हूं। देखो अगर आप सब फॉर सब करोगे, चलो यार आपके कमेंट में लाइक भी आ गया, कमेंट में कमेंट भी आ गया, रिप्लाई भी आ गया एंड आपका जो कमेंट हो वो अप भी हो गया, तो क्या होगा, कोई भी एक यूजर जाएगा एंड देन बोलेगा, एंड देन देखेगा यार ये कमेंट फर्स्ट में सब फॉर सब, चलो 10 में से 5 बंदे आपके चैनल पर गए ठीक है, एंड आपने क्या स्पैम किया, आपने क्या कमेंट किया है सब फॉर सब, यानी कि सब्सक्राइबर का आप सौदा कर रहे हो, तो वो क्या करेगा यार मैं इसे सब्सक्राइबर सब्सक्राइब कर लेता हूँ, चलो वो भी मुझे सब्सक्राइब कर लेगा एंड देन आप जाओगे उसके चैनल पर उसे सब्सक्राइब करोगे, चलो यार 10 जन देखे आपके कमेंट को, 5 जन आपके चैनल पर गए एंड 5 में से चलो यार 4 सब्सक्राइबर आपकी आ गई ठीक है, एक बार में आपका 4 सब्सक्राइबर आ गया एक दिन में। तो क्या आपको पता है कि वो 4 सब्सक्राइबर आपके ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर होने वाले नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो सौदा करने आए हैं यार आपके चैनल पर, आपको चैनल की जो कंटेंट है, कंटेंट की जो क्वालिटी है उसे चेक करने नहीं आए, वो सौदा करने आए कि वो आपको इसलिए सब्सक्राइब कर रहे ताकि वो भी एक ये आस में है कि आप उसको सब्सक्राइब करोगे तो वो भी आपको सब्सक्राइब करेगा, वो एक आस में आया है आपको सब्सक्राइब, एक आस में किया है कि यार मैं इस बंदे को चलो सब्सक्राइब कर लेता हूँ तो ये भी मुझे कर लेगा, तो वो आपकी वॉच टाइम बढ़ाने नहीं आया, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ाने नहीं आया है, बल्कि उसे डिक्रीज करने आया, वो आएगा आपकी कोई भी वीडियो पर क्लिक करेगा एंड एक कमेंट कर देगा ताकि उसको लगे कि चलो यार एक बंदा तो उसके पास आया है, बस वो कमेंट करेगा एंड 10 सेकेंड भी आपकी वीडियो को नहीं देखेगा, वीडियो को कट कर देगा एंड देन उसके बाद आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देगा और फिर चला जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो ऑडियंस रिटेंशन है वो डिक्रीज होगी एंड देन आपका जो वॉच टाइम है वो भी डिक्रीज होगा। बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है यार सब फॉर सब, अगर सिंपल भाषा में बता रहा हूँ यार सब फॉर सब जो सब्सक्राइबर्स का सौदा होता है, अगर ये करोगे तो बस आप सब्सक्राइबर का सौदा ही करके रह जाओगे, आप इस चैनल को कभी ग्रोथ नहीं कर पाओगे। मैंने बहुत से चैनल देखे हैं जिनके 1400, 1500, 1600 सब्सक्राइबर हैं एंड अच्छे से 100 व्यूज़ भी नहीं आ पाते उनकी एक वीडियोज़ पर, क्यों, क्योंकि उन्होंने सब फॉर सब करके रखा है यार, तो कैसे व्यूज़ आएगा।
तो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी आपको अगर आप सब फॉर सब करोगे यूट्यूब स्पैम कमेंट में। एंड अब बात करते हैं कि यार इसको अच्छे मैनर में कैसे सब फॉर सब करें। तो यार अच्छा मैनर कुछ नहीं है, अच्छा मैनर सब फॉर सब करने का यही है कि अगर आपको जिसका कंटेंट अच्छा लग रहा है, लाइक आपने टेक्निकल कोई वीडियो देख रहे हो बड़े यूट्यूबर टेक यूट्यूबर्स की, एंड उसमें आपको अगर कमेंट पढ़ रहे हो कोई बंदा को आपको लगा कि चलो यार इसको क्लिक करके देखते हैं, एंड क्लिक करके देखे और देखे कि यार इसका जो कंटेंट की क्वालिटी है वो मुझे अच्छा लग रहा है, तो आप उसको बोलो, आपको आप उसको शाबाशी दो, कमेंट करो हाँ भाई आप बहुत अच्छा वीडियो बना रहे हो। एंड बोल उसके बाद जब आप थोड़ा गहराई में जाओ उसे फ्रेंडशिप टाइप कर लो, एंड देन उसके बाद आपको उसको बोलो अगर उसके फ्रेंडशिप कर लो एंड उसके बाद भी अगर वो आपके चैनल पर विजिट नहीं करता है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, उससे आप फ्रेंडशिप बनाओ एंड देन बोलो यार मेरे भी चैनल पर कभी आओ एंड इस तरीके की बातचीत करो, तो वो आपके चैनल पर ऑब्वियसली आएगा एंड आपकी जो चैनल की वीडियोज़ हैं उनको अच्छे से देखेगा एंड वॉच टाइम भी बढ़ाएगा, ऑडियंस रिटेंशन भी बढ़ाएगा। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप करो, एंड इस तरीके की करने की ज़रूरत नहीं यार बार बार लिंक सेंड कर रहे हो कोई बंदे को, बार बार अपनी वीडियो का लिंक सेंड कर रहे हो और तब भी वो नहीं देख रहा है, तो उसको एक बार से दो बार भी अगर आप भेजोगे ना तो वो नहीं देखेगा, चार दस जितना बार भेजोगे वो नहीं देखने वाला। क्यों? क्योंकि उसको आपके चैनल पर इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इससे अगर आप उसको फोर्स करोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वो सब्सक्राइब कर देगा एंड आपका वॉच टाइम बढ़ेगा नहीं, ऑडियंस रिटेंशन बढ़ेगी नहीं। तो गाइज ये छोटा सा वीडियो मैंने आपको सब फॉर सब से रिगार्डिंग जितने भी डिटेल्स थे सब मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इसी तरीके की यूट्यूब टैग टिप्स वीडियो पाने के लिए यार चैनल को करो दो सब्सक्राइब। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सही सलामत रहो एंड ओके टाटा बाय बाय।